गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के चैप्टर 6 के और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम कल आवर बॉडी के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बॉडी पार्ट्स को इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और इस पार्ट्स के अलग अलग रोल है, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और जैसे देखो, यहाँ पर आई के काम क्या है, हम आँख से देख सकते हैं, ईयर्स के सहारे हम सुन सकते हैं सभी के बातें, साउंड ये सारे सुन सकते हैं, नोज के सहारे हम स्मेलिंग करते हैं और ब्रीथ भी कर सकते हैं, और गर्दन के सहारे अपने हेड को, अपने सिर को आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसे घुमा सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, और माउथ के सहारे हम खाना खा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सभी पार्ट्स के सहारे हम कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, हेड मतलब सिर। देखो, यहाँ पर सिर का एक पिक्चर दिया हुआ है, ये हेड है। आवर हेड इज कवर्ड विथ हेयर, हमारे हेड में क्या है, हमारे हेड किससे कवर हुआ है, कवर मतलब आवरण, हमारे हेड में बाल है, विथ हेयर, हमारे हेड बाल से कवर हुआ है। देखो, यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, हमारे बाल में, आपके हेड में बाल है कि नहीं, है ना, तो सभी बच्चों के सिर में या सबके हर बड़ी के सिर में बाल होता है और बाल से हमारा हेड कवर होता है। द फेस हैज आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड चिन, इसका मतलब है हमारे फेस में और कौन कौन सी पार्ट है, हमारे फेस में आईज होता है, 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth और चिन भी होता है। देखो, ये आईज है, ये आँख है, 2 eyes है, 2 eyes है, और 2 ears है, 2 cans है, नोज है, 1 nose है, 1 mouth है, जिसके अंदर और भी पार्ट्स है, जैसे टोंग, हमारे जो जुबान है जिसके सहारे हम बात करते हैं और बहुत सारे टेस्ट जानते हैं, और उसके अंदर टीथ भी होता है, जो दांत टीथ होता है, और देखो यहाँ पर एक चिन भी है, चिन मतलब ठोड़ी, चिन भी है, हमारे हेयर में ये सारे पार्ट्स हैं। क्या क्या है, हेयर है, फेस में हेयर है, और ईयर्स है, आईज है, नोज है, माउथ है, उसके अंदर टॉन्ग एंड टीथ भी है, और यहाँ पर एक चिन भी है। देन ट्रंक मतलब हमारे जो शरीर, देखो ये शरीर का पिक्चर दिया हुआ है, ट्रंक हैज, जिसको हम तना भी कहते हैं, ट्रंक हैज चेस्ट, स्टोमक एंड लोअर एब्डोमेन। ट्रंक हमारे शरीर में क्या क्या है, चेस्ट है, देखो चेस्ट मतलब छाती, ये चेस्ट है, ये स्टोमक है, स्टोमक मतलब हमारे पेट होता है ना, चेस्ट के नीचे स्टोमक होता है और स्टोमक के नीचे लोअर एब्डोमेन होता है, स्टोमक मतलब हमारा पेट और लोअर एब्डोमेन का मतलब निम्न पेट, ठीक है, ये चेस्ट है, ये स्टोमक है और ये लोअर एब्डोमेन है। अब हम नेक के बारे में पढ़ेंगे, नेक मतलब गर्दन, देखो ये गर्दन है, ये क्या है, ये गर्दन है, गर्दन मतलब नेक, नेक जॉइंट्स हेड टू द ट्रंक, इट हेल्प्स अस इन मूविंग आवर हेड। नेक किससे जुड़ा हुआ है, नेक हमारा गर्दन हमारे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, या हमारा शरीर के साथ ये जुड़ा हुआ है, हमारा गर्दन या नेक, एंड हेड टू द ट्रंक, नेक जॉइंट्स हेड टू द ट्रंक, हमारे नेक हेड के साथ भी जुड़ा हुआ है और ट्रंक के साथ भी जुड़ा हुआ है। इट हेल्प्स अस इन मूविंग आवर हेड, और गर्दन हमको क्या हेल्प्स करता है, गर्दन के सहारे हम हमारे हेड को मूव कर सकते हैं, जैसे आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसे हम हमारे हेड को
मूव कर सकते हैं, नेक के सहारे, गर्दन के सहारे। आर्म्स, आर्म्स का मतलब हमारे जो भुजाएं या जो बाहु है। आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प्स अस टू राइट, होल्ड, ईट, लिफ्ट, क्लैप एंड कैरी थिंग्स। हमारे आर्म्स और हैंड्स हमको क्या हेल्प करते हैं, राइट लिखने के लिए, होल्ड, होल्ड मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ईट खाना खाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए किसी चीज़ को हटाने के लिए, और क्लैपिंग करने के लिए। हम क्लैप करते हैं कि नहीं, हमारे हैंड्स के सहारे हम क्लैप करते हैं, क्लैपिंग करने के लिए। और कैरी थिंग्स, किसी चीज़ को उठाने के लिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे आर्म्स एंड हैंड्स हमको हेल्प करते हैं। अब हम लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये लेग्स है आपके बॉडी पार्ट के, और एक आंसर लेग्स, लेग्स हमको क्या हेल्प करता है। लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू वॉक, रन, जॉग, जंप एंड साइकिल। लेग्स हमारे टांग एंड हमारे पैर हमको चलने के लिए, वॉक मतलब चलना, चलने के लिए, रन दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए, और जंपिंग कूदने के लिए, और साइकिलिंग करने के लिए ये हमको हेल्प करता है। क्या? लेग्स, हमारा घुटांग एंड पैर हमको वॉकिंग करने के लिए, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग एंड साइकिलिंग करने के लिए ये हमको हेल्प करता है। ये आप घर में पढ़ना और इसको समझना।